What's up everybody, welcome back to my channel. And as you know कि मेरी काफ़ी ज़्यादा acne prone skin है. रिसेंटली मैंने AHN BHA के काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं देखे रिसेंटली, यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा देखे एंड आई थॉट वाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई. रिसेंटली आई परचेज दिस मिनिमलिस्टिक का AHN BHA पीलिंग सोल्यूशन. सो सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि वॉट इज AHA एंड BHA. सो AHA होता है अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड एंड BHA इज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड. BHA दोनों केमिकल एक्सफोलिएंट्स हैं. तो केमिकल एक्सफोलिएंट बेसिकली होता ये है कि ये आपके स्किन के टॉप लेयर को, जो कि डेड स्किन होती है, उसको रिमूव कर देता है. एक्सफोलिएंट का यही काम होता है. और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एक्सफोलिएटर्स स्क्रबिंग को भी कहते हैं, बट वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है. आजकल केमिकल एक्सफोलिएंट्स ज़्यादा उसमें है, ज़्यादा आपके स्किन को बेनिफिट करते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं. आपके फाइन लाइन्स एंड निकल्स को ये कम करता है. अगर आपकी डिसकलर्ड स्किन है तो उसको भी ये ठीक करता है. एजिंग स्पॉट्स है या आपके एक्ने स्पॉट्स है उसको भी हटाता है. अगर आपके एंडार्ज पोर्स हैं तो उसको क्लोज करता है. तो ये सारे इसके नोन बेनिफिट्स हैं. सो एज वी ऑल नो, बेनिफिट्स के साथ साथ थोड़े डिसएडवांटेजेस भी आते हैं. तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और इसको आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है. इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन पे रेडनेस हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, टाइनी टाइनी बम्स हो सकते हैं इसको यूज़ करने के बाद. तो आई विल सजेस्ट कि डू अ पैच टेस्ट. इसके अलावा सबसे मेजर इसका साइड इफेक्ट ये है सनबर्न. ठीक है, यू हैव टू यूज़ अ सनस्क्रीन 60 SPF वाली कम से कम, ताकि ये सनबर्न ना हो आपको. स्पॉट्स को हटा देता है बिल्कुल, एक बेबी सॉफ्ट आपको स्किन देता है. ठीक है, और आपके पोर जो है उसको कम करता है, फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स को कम करता है. इसमें लिखा है कि सबसे पहले आपको आपका फेस जो अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद पैड ड्राई करने के बाद आपको ये लगाना है पूरे फेस पे. ठीक है, उसके बाद इसको आपने सिर्फ 10 मिनट्स रखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना. 10 मिनट्स रखने के बाद आपको इसको धो देना है और मॉइस्चराइज करना है. मॉइस्चराइज करने के बाद सनस्क्रीन, साफ साफ लिखा है कि सनस्क्रीन आपको लगानी ही लगानी है. तो अभी चलते हैं जल्दी से डेमो की तरफ. सो अभी आप देख सकते हो कि मैंने अपना फेस बिल्कुल वॉश कर लिया और मेरे स्किन पे एक भी मेकअप नहीं है, बस थोड़ा सा लिप बाम मैंने लगा रखा है. और आप लोग भी इसको लगाने से पहले लिप बाम ज़रूर लगा लेना. अभी इतना थिक कंसिस्टेंसी का तो नहीं है ये, बट ठीक है, थोड़ा सा रनिंग टाइप का है. और पूरे में आप देख सकते हो मेरे ये एक्ने मार्क्स हैं ये सब. पूरे फेस पे अच्छी अमाउंट में इसको लगा लेना है कि आपका पूरा फेस अच्छे से कवर हो जाए. सो उसके बाद आपने अपने फ़ोन के टाइमर में, और देखिए इसमें 10 मिनट्स ऑलरेडी सेट है क्योंकि मैंने इसको काफ़ी बार यूज़ किया हुआ, तो हमेशा मैं टाइमर लगा के ही यूज़ करती हूँ. 10 मिनट से ऊपर आपने इसको नहीं रखना है कोई भी कीमत पर. इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो 10 मिनट के बाद मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी. बाद मैंने जो अपना फेस वॉश कर लिया है उसको जूम करके दिखा दूँ, तो सी बहुत ही स्लाइट ग्लो आता है, मतलब इतना विजिबल भी नहीं होता है. तो पता नहीं ये प्रोडक्ट उतना ज़्यादा क्यों हाई ग्लो, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे को तो इसने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया बीइंग अ एक्ने प्रोन स्किन. सो एज यू ऑल नो कि मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन है और मेरे को पिम्पल्स के स्पॉट्स का भी काफ़ी प्रॉब्लम रहता है, एनलार्ज पोर्स है मेरे. सो ऑल एंड ऑल मेरी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है. सो इसको मैंने बेसिकली 2 वीक्स से आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट. ठीक है, 1 वीक में इसको आपको ट्वाइस लगाना है, 1 वीक में 2 बार लगाना है, जैसे आपने मंडे को लगाया, फिर आपको लगाना है सैटरडे या संडे. ठीक है, तो मैंने भी पिछले 2 वीक से मैं इसको 4 बार लगा चुकी हूँ. और मेरा जो रिजल्ट था वो ये था कि इसमें लिखा है कि यू विल गेट अ सुपर ग्लोइंग स्किन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, ये प्रोडक्ट ने जितना ये हाइप्ड है उतना इस प्रोडक्ट ने मेरे को डिसअपॉइंट किया है. इतना ज़्यादा भी ग्लोइंग स्किन मेरी नहीं हो रही थी इसको यूज़ करने के बाद. ठीक, यू कैन स्लीप
आप इसको लगाने के बाद स्लाइट ग्लो अपने फेस पे देख सकते हो, बहुत ही हल्का सा, ठीक है, जो दूसरा सामने वाला बंदा भी नहीं पहचान पाएगा। मैंने लगाया तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था कि मेरी स्किन पे कोई फर्क लग रहा है कि नहीं, तो ही सेड नो, मतलब इतना कोई इसका विजिबल रिजल्ट नहीं मिलता है। मे बी अगर आप इसको यूज करते जाओगे तो आपको इसका, और रही बात मेरी सेंसिटिव स्किन की, तो आई वॉज पेट्रीफाइड ऑफ यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो मैंने पहले तो अपना रिस्ट इस पर पैच टेस्ट किया था हैंड पे, तो कोई भी ऐसा मेरे को कोई भी इरिटेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ था। बट मैंने जब इसको अपने फेस पे लगाया, तो फेस पे जब मैंने लगाया तब तक कुछ नहीं हुआ था, तो मैंने उसको हटा दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ था। बट उसके 2-3 घंटे बाद मैंने अपने फेस को नोटिस किया कि मेरे चीक्स पे हल्का हल्का जिट्स आ गए थे। जिट्स होते जो वाइट हेड हल्का हल्का होता ना, छोटा छोटा, वो मेरे चीक्स पे आ गया था। अब आई डोंट नो कि ये क्यों हुआ, कैसे होना नहीं चाहिए था, बट जितनी बार भी मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया उतनी बार मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे को वाइट हेड्स आ जाते हैं। वो अलग बात है कि मैं जेल वगैरह यूज़ करके वो ख़त्म हो जाता है, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सो ऑल एंड ऑल आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, बट जो जिसको भी एक्ने प्रोन स्किन है, आई विल नॉट रिकमेंड यू ऑल टू यूज़ दिस प्लीज़, क्योंकि ये आपकी स्किन को और ज़्यादा इरिटेट कर सकती है। अगर आपके एक्ने बड़े बड़े हैं, आपके मतलब फ्रेश एक्ने रहते हैं, तो इससे तो बिल्कुल भी दूर रहना। आई विल नेवर सजेस्ट यू कि आप इसको अपने स्किन पे, एक्ने प्रोन स्किन पे यूज़ करो। अगर आपके स्पॉट्स हैं देन यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट, और वो भी पैच टेस्ट करने के बाद, ठीक है। तो यार गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना है तो मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से ज़रूर परचेज कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो लाइक माई वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।